और कभी उन लोगों का जो करते तुम्हें सपोर्ट कर साथ रहा फिर उन सब का तो ओके होगी सारी रिपोर्ट है होश भाई मत होश नहीं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। इस वीडियो में हम लोग अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड हम लोगों ने मीनिंग पढ़ ली थी, उसके बाद एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में भी डिस्कस कर लिया था, विच इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948। इसके बाद जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी वो थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948, ए नंबर ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस इन द कंट्री। In the 1951, India has been entered in an organized planning era by the objective of establishment of socialistic pattern of the society. In the national policy, public sector was assigned the task of rapid economic development. 1948 में industrial policy resolution pass करने के बाद India में बहुत सारे changes देखने को मिले। 1951 की starting से ही India एक organized planning era में enter कर चुका था, जिसका मेन मोटिव था इंडिया में एक सोशलिस्टिक पैटर्न डेवलप करना, और इस ऑब्जेक्टिव के लिए नेशनल पॉलिसी में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का टास्क असाइन किया गया था। ऑल दिस एस्पेक्ट्स फैसिलिटेट द वे फॉर अ न्यू अप्रोच एंड द सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन वॉज अनाउंस्ड ऑन 30 अप्रैल 1956। इन सभी एस्पेक्ट्स को देखते हुए एक नया अप्रोच बनाया गया और इसी अप्रोच के साथ एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी पास किया था, विच इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 एंड दिस पॉलिसी वॉज पास्ड ऑन 30 अप्रैल 1956। अब इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं, जिसमें पहला आता है स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। जितने भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया में आई थी उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव था, विच इज स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। इट मीन्स इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है उस प्रोसेस की स्पीड को बढ़ाना था। नेक्स्ट इज टू डेवलप हैवी एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। इस पॉलिसी का एक और मेन ऑब्जेक्टिव था, विच इज टू डेवलप हैवी एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर ही कुछ हैवी और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को डेवलप करना था। नेक्स्ट इज टू बिल्ड अप अ लार्ज एंड ग्रोइंग प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा और ग्रोइंग प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ कोऑपरेटिव सेक्टर्स को भी डेवलप करना था। कोऑपरेटिव सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स के साथ मिलकर इकोनॉमी में कोऑपरेशन की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिंग एन इफेक्टिव पब्लिक सेक्टर। 1991 से पहले इंडिया में जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे वो इनएफिशिएंट थे, वो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं कर पाते थे क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल नहीं थे। तो इस पॉलिसी का ये एक ऑब्जेक्टिव था, जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं इंडिया के अंदर उन पब्लिक सेक्टर्स को एक्सपेंड करना है और एक्सपेंडेशन के साथ साथ उनको इफेक्टिव भी बनाना था। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग प्राइवेट मोनोपोलीज। प्राइवेट मोनोपोलीज का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज है, दैट इज पेप्सी एंड कोको कोला। अगर पेप्सी और कोक वाले ये साथ में आकर बोले अरे बंद करो ये लड़ाई क्यों ना बन जाए भाई भाई, तो फिर इंडियन इकोनॉमी का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए प्राइवेट मोनोपोलीज को पूरी तरीके से खत्म करना था। नेक्स्ट इज अचीविंग बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया के जो इकोनॉमिक ग्रोथ करानी थी वो बैलेंस थी। इट मींस जो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट होना चाहिए वो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए। सो फाइनली दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। इन द 1956 पॉलिसी इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू द थ्री कैटेगरीज, दैट इज टू से शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। एक काम करता हूं मैं, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी में जितनी भी इंडस्ट्रीज आती है उन सब की लिस्ट बनाकर मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाकर देख लीजिए। तो फिलहाल हम लोग अपने 1956 की पॉलिसी को करते हैं समाप्त। इसके बाद हम लोग मिलते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1991। एट द बिगनिंग ऑफ द 90s इंडियन इकोनॉमिक पोजीशन वॉज वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री ऑन ऑल फ्रंट्स, वेदर इट इज फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट्स, प्राइजेस, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड फिस्कल डेफिसिट लेड इंडिया टू अ क्रिटिकल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिचुएशन। 1990s की स्टार्टिंग में इंडिया की इकोनॉमिक पोजीशन बहुत बेकार थी, इट वॉज अनसेटिस्फैक्ट्री, और ये सिचुएशन ज्यादातर सभी एरियाज में थी, चाहे वो एरिया हो फॉरेन एक्सचेंज का, चाहे वो एरिया हो एक्सपोर्ट्स का, प्राइजेस का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, फिस्कल डेफिसिट का। ये इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन हर जगह अनसेटिस्फैक्ट्री थी, और ये सभी एरियाज की अनसेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ इंडिया को एक क्रिटिकल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिचुएशन में लेकर जा रही थी। ऑन द 24th July 1991 द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देयर आर सेवरल फंडामेंटल डिपार्टमेंट्स इन द न्यू पॉलिसी।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स आर विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन पॉलिसीज एंड एंड टू द मोनोपोली लॉ एंड अ मोर वेलकमिंग अप्रोच टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपार्ट फ्रॉम री इवेल्युएट द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो फिर सभी सेक्टर्स की अनसेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 24 जुलाई 1991 को एक डिसीजन लिया था और वो डिसीजन था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। इस पॉलिसी के अंदर जो ज्यादातर इनिशिएटिव्स लिए गए थे वो लिए गए थे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन पॉलिसी से रिलेटेड और एक तरीके से मोनोपोली लॉ को पूरा एंड कर दिया गया था, इट मींस उसे खत्म कर दिया गया था और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया था जहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इजिली अट्रैक्ट हो सके। मतलब जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टर्स इजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 1977 में कोको कोला कंपनी को इंडिया से बाहर भेजा गया था, लेकिन 1991 के बाद वो कोको कोला कंपनी अपने साथ कुछ और फॉरेन कंपनीज को लेकर इंडिया में अपना फिर से स्टार्टअप करने लगी थी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर इंडिया में एक नया मॉडल तैयार किया गया था विच इज वेल नोन एज LPG। इट डजेंट मीन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इट मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना, घर वाली एलपीजी नहीं है, ये देश वाली एलपीजी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1991 की पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे और फिर इसके क्या मेरिट्स थे, क्या डिमेरिट्स थे, उन सभी को डिस्कस करेंगे।